हेलो फ्रेंड्स, मेरी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बड़ा पाव। हम क्या है कि सर्दियों के मौसम, बरसात के मौसम में जैसे ही बड़ा पाव देखते हैं तो बड़ा ऐसा लगता है कि भाई हम भी बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं तो मैं घर पर ही आपको बताती हूँ, घर पे भी आप बना सकते हैं वही टेस्ट में। जिसकी मैंने फ्राई पैन लिया है, फ्राई पैन में डाला है 1 चम्मच गर्म ऑयल और फिर मैंने डाला है इसमें सौंफ और जीरा। जीरा डालने के बाद मैंने डाल दिया है इसमें कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने के बाद मैंने डाला है बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को थोड़ा हल्का भूनने दीजिए, अच्छे से भून जाएगा तो क्या है कि इसमें इसको थोड़ा सा ब्राउन होने दीजिएगा। ब्राउन होते ही मैंने डाला है इसमें मैश किए आलू। 2 आलू लिए थे मैंने, बॉईल कर लिए थे और उस पर इसको मैश कर लिए था। मैश करने के बाद इसको थोड़ा सा चलाइएगा, हल्का सा ऑयल है ना उसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। फिर मैं डाल रही हूँ मसाले, इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और इसमें डालते हैं नमक। नमक डालने के बाद मैंने डाला जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें हरी धनिया और इसको अच्छे से चलाइए। और इस चलाने के बाद हमारा आलू का मसाला एकदम देखिए तैयार है। अगर तीखा थोड़ा सा चाहिए है तो मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद हमारा एकदम आलू मसाला तैयार है। आलू मसाला तैयार होने के बाद अब मैंने इसको रख लिया है एक प्लेट में निकाल के। प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडा होगा हमारा आलू का मसाला जो है ना, ठंडा हो जाएगा तभी हम इसके बॉल बना सकते हैं। तो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। यहाँ जब तक बनाती हूँ घोल। घोल बनाने के लिए मैंने ले लिया बेसन 1 कटोरी। बेसन के बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद थोड़ी डाली है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद मैंने डाला थोड़ा सा हरी धनिया और इसका घोल तैयार करेंगे। घोल तैयार करने के लिए हल्का हल्का पानी डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है वरना हमारा घोल हो जाएगा पतला। और इसलिए हमें थोड़ा सा हल्का हल्का हाथों से इसको चलाइएगा, अच्छे से स्मूथली इसका घोल तैयार करना है। इसमें जो हमारे बड़ा है ना, तो बड़ा जो पाव का बड़ा बना रहे हैं तो उसमें से ना ही ज़्यादा डिप्पी हो सके और अच्छे से देखिए स्मूथली इस तरह से हमारा घोल को तैयार करना है। थोड़ा सा गाढ़ा भी रहना चाहिए एकदम। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन का थोड़ा फ्लेवर जो होता है ना, टेस्ट जो होता है उसमें बहुत अच्छे से स्वाद आ जाता है। देखिए हमारा तैयार है। अब हमारे ये मसाला जो था आलू का वो भी ठंडा हो चुका है। इसमें मैं वॉल बना रही हूँ जो बड़ा पाव का बड़ा बनाने के लिए। उसको मैंने से गोल गोल शेप दिया है, आप इसे चपटा शेप भी दे सकते हैं जैसा भी आपको अच्छा लगता हो। इसको मैंने डिप किया है जो हमारा घोल था बेसन का उसमें। फिर यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने गरम कर लिया था ऑयल। ऑयल गरम होने के बाद जो हमने बड़ा पाव के बड़ा है उसको मैंने डाल दिया है उसमें। हल्के हाथों से स्पून की मदद से आप डालते जाइएगा और हमारे ये बड़ा तैयार है। इसको सेक लिया है दोनों साइड से, देखिए अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी सिक जाए तभी आप निकालिएगा। कच्चे भी थोड़ा सा नहीं रहना चाहिए, एकदम सिक जाते हैं तभी जाके अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो हमारे बड़ा पाव के बड़ा तैयार है और मैं इसमें फ्राई कर लेती हूँ। यहीं पर कर रही हूँ हरी मिर्ची। हरी मिर्ची तो जरूरी होती है, क्या है थोड़ा सा तीखापन। और जो हम बॉम्बे में जो फेमस डिश है जो बॉम्बे की बड़ा पाव, तो उसी उसमें तो भाई जरूर देते हैं हरी मिर्ची। यहाँ पर मैंने ले लिया है पाव। पाव को मैंने काट लिया है आधे इस तरह से और इसको काटने के बाद मैं इसमें लगा रही हूँ हरी चटनी। हरी चटनी लगाए थोड़ी सी अच्छे से लगाइएगा हरी चटनी। और मैंने इसमें लगाया है टमाटो सॉस और लाल चटनी। फिर इसमें रख दिया है मैंने बड़ा बड़ा रखने के बाद हरी मिर्ची लगा दी है और देखिए एकदम लग रहा है ना बिल्कुल वही स्टाइल, वही जो टेस्ट भी बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। आप एक बार इसी तरह से बनाइएगा। हमारे तैयार है बड़ा पाव। बड़ा पाव तैयार होने के बाद 2 लाइन तो बनती है ना, क्या कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करने हैं, क्या कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करने हैं, भगवान सिर्फ लकीरें देता है उसमें रंग हमी को भरने हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।